देखिए फास्ट जॉइनिंग करने के बारे में आपको क्या चाहिए, पीटी शूज चाहिए। पहले था आपको ब्राउन कलर का, अभी व्हाइट कलर है, इधर भी इशू हो रहा है और आपको उधर भी आपको व्हाइट कलर है, पीटी शू आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप पीटी शू किसी को पूछ के, जो मतलब जो ग्रुप सेंटर के कौन सा यूज़ हो रहा है, ब्राउन या व्हाइट, आप पूछ लेना ग्रुप सेंटर में, क्योंकि अभी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है, सब ठीक ठाक हो से? मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं SSC GD में कोई भी फोर्स आपको मिल गया, ज्वाइनिंग करने के टाइम आपको क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए दोस्तों, और आपका हाथ में कितना पैसा होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या है, एक महीना तक आपको चलना पड़ेगा उसमें जाके, मतलब पैसा आपको क्या है, एक महीने तक आपका क्या है, मतलब हाथ में खर्चा के लिए आपको पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, क्या क्या सामान लेके जाना जरूरी है, और आपको उधर से भी किट क्या क्या मिलेगा दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों उधर जाने के बाद आपको गेट से भी बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल है। आपको वो आउट पास देगा, आउट पास मतलब क्या है, आपको 1 घंटे के लिए 10 मिनट के लिए देगा बाहर जाने के लिए, इसलिए अच्छा आपको क्या घर से जाके आप ले लीजिए, वा नहीं तो आप गेट में भी आप खरीद सकते हैं जिस ग्रुप सेंटर के सामने। दोस्तों ये बात एकदम अच्छे से आप ध्यान के दे के आप वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये दोस्तों। सामान क्या क्या है आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। फर्स्ट टाइम आ जाता है क्या है, रेजर, रेजर भी बोलते हैं, किसी कोई जिलेट भी बोलता है, जो जिलेट इस्तेमाल करता है जिलेट लीजिए, नहीं तो रेजर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सेविंग के लिए आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों फर्स्ट आइटम, क्योंकि कुछ करो या मत करो आपको तो सेविंग तो डेली करना है आपको, क्योंकि आपको क्या है, आप सेविंग नहीं करने से आपको पनिशमेंट जरूर मिल जाएगा दोस्तों। शुरू से स्टार्ट हो जाए, स्टार्टिंग से आपको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट आइटम। उसके बाद दोस्तों क्या है, दोस्तों क्या है, टूथब्रश, कोलगेट आपको तो पता है दोस्तों, ये हमेशा सुबह इधर भी से और उधर भी वो जरूरी है दोस्तों। उसके बाद आपको आप साबुन ले सकता है, नहाने वाला साबुन ले सकता है, आपको लगभग 2 पीस लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा लेना ज़रूरी नहीं है, आप उधर भी ले सकता है, किंतु आपको क्या मंथली के लिए मैं चलने के लिए बोला, एक मंथ का आइटम में बोला, आप 2 पीस साबुन लीजिए। उसके बाद कपड़ा धोने वाला भी आपको 3-4 पीस बा 5 पीस रख दीजिए, क्योंकि आपको कैंटीन में जाने के लिए उस टाइम ना टाइम मौका बहुत कम मिलेगा, फोटिक बहुत ज़्यादा होगा आपको ग्रुप सेंटर में दोस्तों, जब तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगा तब तक आपको फोटिक काम कराते रहेगा दोस्तों, इसलिए आपको मैं बोला आपको इधर उधर आपको टाइम आपको बर्बाद हो जाएगा, उससे अच्छा घर से लीजिए 5 पीस आप साबुन लीजिए, नहाने वाला भी 5 पीस लीजिए, उसके बाद कपड़ा धोने वाला भी 5 पीस लीजिए, सर्फ का पैकेट 1 kg का एक लीजिए, सर्फ एक्सेल पाउडर और कोई भी पाउडर आप 1 kg का लीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या चाहिए आपको, देखिए फर्स्ट जॉइनिंग करने के बारे में आपको क्या चाहिए, एक पीटी शूज चाहिए। पहले था आपको ब्राउन कलर का, अभी व्हाइट कलर है, इधर भी इशू हो रहा है और आपको उधर भी आपको व्हाइट कलर है, पीटी शू आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप पीटी शू किसी को पूछ के, जो मतलब जो ग्रुप सेंटर के कौन सा यूज़ हो रहा है, ब्राउन या व्हाइट, आप पूछ लेना ग्रुप सेंटर में, क्योंकि अभी सरकारी मतलब क्या है, व्हाइट वाला इशू हो रहा है CRP में दोस्तों। पीटी शूज आपको पूरा ज़रूरी है, जब से ज्वाइनिंग करेंगे तब से आपको क्या है ऑफिस में जाना है। और दोस्तों क्या आपको खाकी पेंट आपको क्या है, आप मेरा हिसाब से तो पहले से आप बना के रख सकता है, और उसका जैसे है आप पहले से बना के रख, क्योंकि आपको उधर से मिलेगा, उधर से अच्छा कि आप पहले से बना के रखने से आपका भी वो फायदा रहेगा दोस्तों, आपका काम के लिए भी, फोटो के लिए कहीं जाना के लिए भी आपको। और व्हाइट टी शर्ट आप मिनिमम आप व्हाइट टी शर्ट भी 2 रख दीजिए आपका पास, क्योंकि आपको गंदा भी रहेगा, इधर उधर आपको जाना पड़ेगा और टिक के लिए। पहले तो बनियान था दोस्तों, अभी तो बनियान क्या पता नहीं है, किंतु व्हाइट टी शर्ट और बनियान जो फुल बनियान आता है ना बाजू वाला, वो सही है, बाजू वाला हमारा उस टाइम तो बाजू वाला यूज़ किया था, और अभी भी ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या है बाजू वाला और बनियान आपका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा दोस्तों। उसका बाद आ जाता है दोस्तों क्या है आपका, क्या है खाकी पेंट एक्स्ट्रा 2 आप बना लीजिए पहले से, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, नहीं तो आप गेट के सामने आपको क्या है दुकान मिलेगा, आप उधर से भी ले सकते हैं रेडीमेड भी। उसके बाद दोस्तों आ जाता है क्या है, जूता तो आपको मैं बोल दिया पीटी शूज। उसका बाद दोस्तों आ जाता है क्या, एक होल्डर क्या है, जो बेडिंग बनने के लिए एक होल्डर बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और कम्बल हो कुछ भी हो आपको तो उधर से मिल जाएगा, तो अभी आप एक हल्का कम्बल एक लेके आ सकते हैं घर से, और एक बेडशीट, और बाकी इधर से तो कम्बल तो आप आने के बाद किट में आपको मिल जाएगा, मॉग मिलेगा, उसके बाद आपको बड़ा वाला प्लेट मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा इधर से, उसके बाद मच्छरदानी भी इधर से लेगा, तो भी आप घर से लेके आ सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन के बाद ही आपको मिल जाएगा किट। उसका बाद आ जाता है दोस्तों क्या है, आपको इतना सामान मिलने के बाद आपको
जूटा वाला जो पॉलिश करता है ना ब्रश, वो भी आपको रखना चाहिए। और एक किल शूज, मतलब किल का जो जूटा होता है ना, किल बूट बोलता है उसको, वो भी आपको चाहिए। किल जो रहता है ना लगातार, मतलब बाहर आपको मिल जाएगा वो। अभी मान लीजिए अभी आपको 500-1000 के अंदर मतलब मिलेगा वो, अभी फिक्स रेट मुझे पता नहीं दे, क्योंकि दोस्तों क्या आपको किल जूता आपको चाहिए चाहिए ड्रिल के लिए, और किल बूट चाहिए आपको, और वो तो आपको ट्रेनिंग तक पूरा रहेगा वो। लास्ट में आपको क्या है डैम बूट मिलेगा, जो ब्लैक वाला जो जूता मिलता है वो लास्ट में आपको ये करेगा। उसके बाद दोस्तों क्या है आपको जंगल शूज़, जंगल शूज़ का तो काम कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पीटी शूज़ का काम रहेगा। और आपको क्या है पीटी शूज़ आप ख़रीदना पड़ेगा, पीटी शूज़ एक ले लेना 200-250 में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या है आप बनियान फुल वाला बाजू वाला जो व्हाइट बनियान है वो भी 4-5 आप ले लेना, क्योंकि वो गंदा होते रहेगा काम करने के लिए, वो तो आपको चाहिए चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या है आपको दवाई जैसे आपको नॉर्मल है बुखार हो खांसी का हो, उसके बाद किसी दर्द का हो पेन का हो, उसके बाद ऐसे मतलब आप थोड़ा बहुत ले लेना वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको कुछ हो सकता है हल्का फुल्का। ऐसे तो एम आई रूम बाबे हॉस्पिटल तो रहेगा, तो अभी आप लोगों को मैं जानकारी के लिए मैं बोला, मतलब इधर उधर आपको भागना ना पड़े दोस्तों। और दोस्तों इतना सामान ले लिया, उसके बाद आपको क्या चाहिए दोस्तों, ये बेरेट के, बेरेट के तो उधर से मिल जाएगा, तो अभी एक आप अच्छा सा एक बाहर से आप बेरेट कैप ले लेना, जैसे आपको हो सकता है जो भी फोर्स में जाएगा, ब्लू कैप भी चलता है हमारा इधर BCRPF में आपको भी है, और हैकल के साथ, हैकल तो आपको मिलेगा, तो अभी आपको हैकल भी आप साथ में रख लेना क्योंकि ज़रूरत पड़ सकता है। और दोस्तों उसके बाद इतना ही सामान है दोस्तों, और बात बाकी एक ऐसे आपको कोई नहीं, यही आइटम है। और आपको हाथ में क्या चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको वो ज्वाइनिंग जब से करेगा, आपको ज्वाइनिंग करने के बाद आपको क्या है दोस्तों 5000 रुपया मैस एडवांस, ये कोई भी फोर्स का है मैस एडवांस आपको पहले जमा करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वो ज़रूरी आपको पहले, तब आपको मैस में खाना मिलेगा वो जमा करने का। और उधर से जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएगा दोस्तों तब आपको पैसा वापस मिल जाएगा, 5000 रुपया आपको देना पड़ेगा। हम भी दिया हो अभी भी दिया हो मैस, उससे पैसा से चलता है दोस्त, इसलिए टेंशन नहीं। आपको खाना तो मैस खाते हैं आपको मिलते रहे, मतलब मैस से आप खाते मतलब खा सकते हैं, और मंथली लास्ट में आपको देना पड़ेगा। और देखिए मैं और बता दूँ आपको पैक ऑफ मिलेगा लगभग दोस्तों क्या है आप एक बकेट लाना पड़ेगा, बकेट मग ये सामान आपको रखना ही पड़ेगा दोस्तों, ये तो आपको पता है कहीं जाने से ये सामान तो लेना पड़ेगा, आप लोगों को भी पता है दोस्तों। और आपका पास में पैसा कितना होना चाहिए देखिए दोस्तों, 5000 रुपया तो मैस एडवांस हो गया, आप सामान जो भी खरीदे उसका तो मैं रेट बोलूँगा नहीं, आपका हाथ में कितना होना चाहिए, 5000 एडवांस जमा देने के बाद आपका हाथ में 5000 मिनिमम होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपका कोई भी सामान के लिए थोड़ा सा मतलब इमरजेंसी के लिए 5000 होना ज़रूरी है दोस्तों। उसका बता देता है दोस्तों आपका सैलरी कब मिलेगा दोस्तों, आपको देखिए ज्वाइनिंग के ऊपर है सैलरी, जैसे आप 5 तारीख को ज्वाइनिंग करेंगे तब आपको क्या है नेक्स्ट महीना में नहीं मिलेगा दोस्तों, उसका नेक्स्ट महीना में आपका पैसा आएगा, वो जो 25 दिन का होगा ना वो भी एरियर के साथ मिल जाएगा दोस्तों। और कोई आदमी 28 को मतलब ज्वाइनिंग करेगा उसको नेक्स्ट महीना 1 तारीख को उसको तनख्वाह मिल जाएगा दोस्तों, मतलब 29 तारीख के बाद 1 तारीख होने के बाद ना नेक्स्ट 1 तारीख को उसको मतलब बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, और 2 दिन का उसको 1 दिन का एरियर मिल जाएगा तनख्वाह के साथ। इसलिए दोस्तों क्या आपको ज्वाइनिंग मतलब 15 तारीख आप ज्वाइनिंग करेगा तब आपको क्या उस महीना नहीं मिलेगा नेक्स्ट महीना आपको मिल जाएगा दोस्तों, ऐसा ही सिस्टम है। मतलब महीने में जब आपका कंप्लीट नहीं हुआ ना तब उस महीने आपको नहीं मिलेगा, 1 तारीख से स्टार्ट होगा नेक्स्ट 1 तारीख से, जब से आप ज्वाइनिंग करेगा उसका नेक्स्ट 1 तारीख से ज्वाइनिंग होगा, मतलब ज्वाइनिंग उसका क्या 1 तारीख से गिनती होगा और नेक्स्ट 1 तारीख को आपको क्या पे आ जाएगा दोस्तों अकाउंट पे। और दोस्तों बस ऐसे ही है मैच कटिंग, आपको पे आने के बाद देना है, पहले आपको नहीं देना है, और बस इतना ही है। और आपको और एक ध्यान देने वाला, उसमें बहुत ही आदमी जाता है ज्वाइनिंग के लिए, सॉरी भी बहुत होता है, इसलिए आपको क्या है पैसा भी आपको क्या है बहुत अच्छे से आपको ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि बहुत आदमी शोर भी रहता है, कोई कोई ऐसा जाएगा आपको पैसा भी शोर ही कर देगा, इसलिए क्या आप डॉक्यूमेंट्स के साथ आप पूरा अच्छे से सामान रख देना दोस्तों। बस इतना ही था वीडियो, आप लोगों को जानकारी के लिए मैं ये बताया, क्योंकि आप लोगों का अभी ज़्यादा दिन नहीं है दोस्तों, आप लोगों का अभी आने वाला है, अभी कब से स्टार्ट होगा आपका ज्वाइनिंग में वो भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को कैसा लगा आप जरूर बताना ना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब बताना। जय हिंद, धन्यवाद।